तो वैसे तो यार हम लोग फैशन ग्रूमिंग को लेके मतलब वीडियोस बनाते हैं ताकि तुम लोग की हेल्प हो सके। बट यार कुछ टाइम पहले ना इंस्टाग्राम पे मतलब हमारे भाई मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया हम लोग जैसे ही मॉर्निंग में होते हैं तो फ्रेश होते हैं, बट जैसे ही टाइम निकलते आते हैं जैसे रात होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड या फिर लेजी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा एक्टिवनेस नहीं रहती थी, उसके लिए कुछ बताओ। तो देखकर आज का वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मतलब बेसिक चीज़ें हम लोग बात करेंगे, बट वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर वन है वो एक क्लीनलीनेस। देखकर मतलब तुम लोग मानो या ना मानो बट क्लीनलीनेस और फ्रेश और एक्टिव रहने का ना बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। जैसे कि मतलब तुम जहाँ कहीं पे भी मतलब खाते हो, अपना काम करते हो, सोते उठते हो, अगर वो जगह क्लीन नहीं होगी ना तो तुम लोग कितना भी कुछ भी कर लो तुम लोग को थोड़ा सा भी मतलब तुम लोग लेजी फील करोगे वहाँ पे। तो देखो अगर इसकी शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले जैसे बेड से मतलब जैसे सो के आप लोग उठते हो ना तो वो जगह आप लोगों को प्रॉपर मतलब जो कुछ भी आप लोगों का तकिया वगैरह है वो सब प्रॉपर आप लोगों को ठीक से मतलब उसको वैसे ही करना है, ठीक है। तो इससे तुम लोग स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद ऐसे नहीं कि मतलब मोबाइल लेके बैठ गए, तो भाई जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करना है और उसके बाद तुरंत आप लोगों को अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है, बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके साथ साथ नॉर्मली आप लोग मतलब जैसे ही नहाने जाते हो तो बहुत बार मतलब हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी से ही नहाना पसंद करते हैं, बट अगर आप लोग ठंडे पानी से नहाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली आप लोग को हेयर वॉश करना है, ठीक है, तो जस्ट अपने बॉडी पर आप लोग ठंडे पानी से नहाओगे ना तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। उससे आप लोगों की बॉडी के में ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होता है, आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हो। और उसके बाद जैसे ही बाहर आओगे तो आप लोग जस्ट अपना परफ्यूम हो गया, डी हो गया कोई भी अच्छा सा, तो वो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज स्मेल अगर अच्छा स्मेल करोगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा वो फ्रेशनेस एक्टिवनेस फील होगी। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मतलब भैया कोई कौन सा परफ्यूम यूज करे तो उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं अच्छे तुम लोग के लिए परफ्यूम का वीडियो बना दूंगा, बस वो विनोद करके स्पैम मत करना यार। नंबर टू का जो पॉइंट है वो हेल्दी फूड। देखकर फूड तो हम सब लोग खाते हैं, बट यार कुछ लोग डाइट के नाम पे खाते ही नहीं है, फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं। बट देखो अगर आप लोग बहुत ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब हेवी फील करते हो, बहुत सुस्त फील करते हो, और अगर आप लोग कुछ खाते हो नहीं, बहुत कम खाते हो, तो आप लोग वीकनेस फील करते हो, कोई भी काम करने का मन नहीं रहता, तो भाई फ्रेशनेस और एक्टिवनेस की बात तो दूर रही। तो देखो आप लोगों को कितना खाना चाहिए, तो देखो वैसे देखा जाए तो मतलब प्रॉपर कैलोरीज मतलब बॉडी वेट के हाइट के हिसाब से मतलब आप लोगों को खाना होता है, बट चलो ये सब बातें तो छोड़ दो। बट नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा खासा करना होता है, जैसे कि उसमें आप लोग नट्स ऐड कर सकते हो, फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, ओट्स हो गया, तो वैसे सारी चीज़ें मतलब ब्रेकफास्ट अच्छा करना होता है। जो लंच होता है ना वो थोड़ा सा मॉडरेट करना होता है, और उसके बाद जो डिनर होता है वो थोड़ा सा कम, या फिर आप लोग थोड़ा सा उसको जल्दी कंज्यूम कर सकते हो, मतलब जैसे कि 7-8-9 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप लोग उसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट तो खाते ही नहीं, ठीक है, लंच है वो अच्छा खासा खा लेते हैं, चलो वो कुछ मतलब वो कोई बात नहीं, और फिर जो डिनर होता है वो तो भाई पूरा दबा के खाते हैं और फिर सो जाते हैं, या फिर बहुत लेट नाइट तक जागते हैं वैसे मतलब बेड पे लेटे लेटे। तो देखो उस वजह से होता है कि आप लोगों को वो तुरंत नहीं दिखता, बट जैसे वो सारी चीज़ें मतलब एक्टिविटी नहीं होती आप लोगों के बॉडी के, तो उस वजह से ना वो सारी चीज़ें फैट में स्टोर हो जाती है, और फिर आप लोग ज़्यादा सुस्त हो जाते हो, आप लोगों को मतलब किसी भी कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो देखने वाली यही बात है कि मतलब अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल हो गए, हेल्दी फूड ऐड करना है, ऐसा नहीं कि मतलब फ्राइड फूड खा रहे हो और फिर सोच रहे हो कि भाई मतलब मैं एक्टिव फ्रेश क्यों नहीं रहता, ठीक है। उसके साथ साथ अभी जो आप लोग देख रहे हो कि मतलब कोरोना वायरस वाला सब सिचुएशन है, उसमें वैक्सीन नहीं आ रही अभी तक प्रॉपर, या फिर मेडिसिन भी नहीं है, ठीक है, तो अभी जो फिलहाल फोकस करना है वो इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर, जो तुम्हें ना मतलब ओवरऑल हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे कि कोल्ड फीवर जो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे अगर बचने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए अच्छा डाइट तो ऐड करना ही है, उसके साथ साथ आप लोग अच्छे कुछ सप्लीमेंट्स भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो जो तुम्हारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अभी जो फिलहाल मेरे पास किट है वो है हेल्थ वीट का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर आप लोग को 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब सबसे पहले सी वाइटन जेड की बात करो तो इसके अंदर वाइटामिन सी और जिंक है, जो दोनों मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट और हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ इसके अंदर मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, और यार वाइटामिन सी तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होता ही है। और अगर मैं बात करूँ इसकी तो देखो जैसे कि नॉर्मल मतलब कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको भी मतलब फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सही चीज है। अगर मैं जिंक सल्फेट की बात करूँ तो ये भी मतलब हमारे डाइजेशन को हो गया, या फिर मतलब हमारी इम्यूनिटी को होगा, ओवरऑल हमारी हेल्थ को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। बहुत बार मतलब जिंक की डेफिशियंसी हो जाती है, मतलब फूड से नहीं मिलता, तो आप लोग मतलब इससे भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। और अगर मैं इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर काफी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, विटामिन सी हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो देखो यार मतलब बहुत सारे इसके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट इन्होंने और भी ऐड किए हुए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो देखो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ये हमारी इम्यूनिटी को तो स्ट्रांग रखता है, उसके साथ साथ जो कुछ हमें मतलब जो विटामिन मिनरल हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं तो ठीक है वो सभी मतलब फूड से नहीं हम लोग ले सकते,
या फिर डेली हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, तो इन सारे सप्लीमेंट्स है ना आप लोगों को ओवरऑल मतलब वो सारी चीजें मिल जाती है। इसमें जो ड्रॉप वाला बॉटल ये तुलसी ड्रॉप प्लस, जो मतलब इसके अंदर 5 टाइप ऑफ तुलसी इन्होंने ऐड किए हुए। अब देखो तुलसी के बेनिफिट्स तो मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप लोगों को भी पता है मतलब कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे कि मतलब सर्दी जुकाम हो गया या फिर कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसको मतलब फाइट करने के लिए तुलसी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखो तुलसी मतलब हमेशा अवेलेबल तो नहीं होती, बट अगर इससे ना आप लोगों को सही में मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है ना वो तुम्हारे मतलब कफ कोल्ड को तो मतलब ठीक करेगी, उसके साथ साथ स्किन हो गया या फिर लीवर हो गया फिर जॉइंट को भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं इन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जाके जरूर चेकआउट करना। वैसे मैंने इन सारी चीजों को मतलब यूज किया, वैसे मुझे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लगी, बट आप लोग जैसे लोगे तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है गुड स्लीप। अब देखकर गुड स्लीप मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बहुत टाइम तक सोते हो ठीक है मतलब 8-9 घंटा हो गया तो वो मतलब हम लोग अच्छी खासी नींद ले रहे, तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो अगर आप लोग बहुत ज्यादा टाइम तक सोओगे ना तो ये भी आप लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेजी सा फिर बहुत ज़्यादा से हेवी सा फील करते हैं। और अगर बहुत कम टाइम तक सोते हो ठीक है 3-4 घंटा सोओगे तो आप लोगों का फेस बहुत ज़्यादा डल होने लगता है और आप लोगों को कोई भी चीज़ करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इसी चीज़ को समझते हुए आप लोगों को प्रॉपर ये ध्यान में रखना है कि जो गुड स्लीप आप लोगों को कब मिलेगी, जब आप लोग प्रॉपर रेस्ट मोड में चले जाते हो। वो कब होगा, जब तुम लोग प्रॉपर मतलब अपने बॉडी को मतलब कोई ट्रेन करोगे या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, जब तुम्हारी बॉडी प्रॉपरली टायर्ड हो जाएगी तब तुम लोग देखना तभी तुम लोग को कितनी ज़्यादा अच्छे से गहरी नींद आएगी। तो ऐसा नहीं बस मतलब रात भर मतलब 3-4 बजे तक मूवी देख रहे हो और फिर भाई नींद आ गई और फिर सो गए और फिर सुबह 8-9 बजे उठोगे तो प्रॉपर नींद हो गई, या फिर 7-8 आवर्स की हम लोग ने नींद ले ली। तो देखो मेरे पास ऐसा नहीं होता ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि मतलब जब सूरज निकलता है उसके पहले मतलब उठना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इन सारी चीजों के पीछे ना कुछ तो अच्छा लॉजिक होता है। इस वजह से देखो मैं अभी सूरज उगने से पहले तो उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एक प्रॉपर अपना रूटीन बना लो कि हाँ मतलब नॉर्मली मतलब 10-11 मैक्सिमम 11:30 तक मुझे सोना है और फिर सुबह नॉर्मली आप लोग प्रॉपरली 7-8 आवर्स मतलब वैसे काउंट करके आप लोग अपना रूटीन बना सकते हो। और ये मैं 100% कह सकता हूँ, तुम लोग एक अच्छी नींद कब ले सकते हो, जब तुम अपने बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हो। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जगह पे बैठ रहे हो अपना काम कर रहे हो पूरे दिन, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 आता है, वो है कि डेली एक्सरसाइज। देखो अगर आप लोग थोड़ा टाइम भी एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा टाइम मतलब 20 मिनट्स हो गया, मैक्स टू मैक्स आप लोग 45 मिनट तक भी एक्सरसाइज करते हो ना अच्छी खासी है, तो ऐसा नहीं कि बस आप लोग चल रहे हो ठीक है, अगर आप लोग को प्रॉपर पसीना आ रहा है 45 मिनट तक आप लोगों ने प्रॉपर एक्सरसाइज की, तो आप लोग देखो कि आप लोग बहुत ज्यादा थक जाओगे और उसी बहाने आप लोग मतलब सो जाओगे ना, तो आप लोग देखना कि आप लोगों को कितनी प्रॉपर नींद आएगी। तो ये एक्सरसाइज वाला है ना आप लोग डेली रूटीन में इसको ऐड करो। अब देखो वैसे तो मतलब इसके बहुत ज्यादा सारे बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ सोने के लिए ही कर रहे हैं ठीक है, तो आप लोगों की स्किन भी मतलब ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। आप लोग देखोगे जो कुछ भी पिंपल की प्रॉब्लम होती है, तो देखो जब स्वेट आता है ना तब उसके साथ साथ जो कुछ भी मतलब डर्ट वगैरह होता है तो वो भी बाहर निकल जाता है ठीक है। और यार आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ और आप लोगों की पर्सनैलिटी उससे बहुत ज्यादा फाड़ू बनेगी। आप लोग कोई भी कपड़े पहनोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा उसमें फाड़ू दिखोगे। अब आपने अपने रूटीन में प्रॉपर क्लीनलीनेस हो गया, डाइट हो गया, स्लीप हो गया, वर्कआउट हो गया, ये सारी चीजें ऐड कर ली ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो मैं बताता हूँ ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मास्टरबेशन। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मतलब सब कुछ मैं प्रॉपर करूंगा और मास्टरबेशन में दिन में बहुत बार करूंगा ठीक है, कोई भी चीज हद से ज्यादा करोगे तो मेरे भाई वो तुम लोग के लिए सही नहीं होगी ठीक है। और सेम यही चीज अगर ये चीज अगर आप लोग ज्यादा करो और फिर सोच रहे हो कि भैया मतलब मैं टायर्ड क्यों हो रहा है, थक क्यों जा रहा हूँ ठीक है, एनर्जी क्यों नहीं बच रही, तो मेरे भाई आप लोग की उससे मतलब एनर्जी बढ़ने नहीं वाली, तो आप लोग की एनर्जी उससे ड्रॉप होने वाली है, तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग इसको फिलहाल के लिए बंद ही कर दो, वो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। और उसकी जगह आप लोग देखो कि आप लोग मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, एक्टिव रहोगे, और उसके साथ साथ कोई भी चीज करोगे ना तो आप लोग का ज्यादा उसमें फोकस रहेगा। उसी के साथ साथ एक स्किन केयर वाली टिप दूं जो तुम लोग को मतलब पूरे दिन ऐसे फ्रेश दिखाएगी ठीक है, तो वो है देखो मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, तो जस्ट नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है उससे आप लोग को दिन में 4-5 टाइम अपने फेस को वॉश करना है, सादे पानी से कह रहा हूं मैं ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो चलेगा, बट आप लोगों को नॉर्मली अपने फेस को कंटिन्यूली मतलब बीच बीच में वॉश करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब फेस पे पूरा ऑयल आ रहा है और फिर डर्ट हो रहा है, तो यार मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब गंदा दिखेगा और आप लोगों को वो एक्टिव भी फील नहीं करेगा ठीक है। आप लोग फेस वॉश करना है तो आप लोग 2 ही बार करना, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अभी फिलहाल हम लोग सब लोग घर पे ही है। आई होप तुम लोग को आज के वीडियो से सीखने मिला होगा। तो जो कुछ भी तुम लोग का प्रॉब्लम है या फिर चाहते हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो यार ब्रो मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।